सो गाइस फाइनली शिप जो है अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। फाइनली अब वो दौर आ गया है जहां पर अब बढ़ने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ रही है। फाइनली वो ट्रेंड आ गया है जहां पर करेक्शन ऑलमोस्ट होने पर आ गया है और अब जो अपडेट निकल कर आ रही है वो सब चीज डिस्कस करेंगे। होप अगर आप शिबा इनू के होल्डर है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी ये सब सुनने के बाद जो आगे होने वाला है। क्या बर्निंग आपको सच में एक रुपए की वैल्यू देगा या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो एक रुपए तक शिबा इनू को बचा सकती है, हर बात पे बात करेंगे शुरुआत से एंड तक। वीडियो जरूर देखना तभी हर चीज समझ में आएगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियो मैं देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू को लेकर। फाइनली शिबा इनू की लिस्टिंग हो गई है रॉबिनहुड पे और जितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे वैसे ख्वाब पूरे ही नहीं हुए। मैं सोच रहा था कि मतलब शिबा इनू पे लिस्ट होते बराबर मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी ये होगी क्योंकि ऑलमोस्ट 25 करोड़ शिबा इनू को मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैं सोचा अगर वो 10 पैसा भी चला गया तो भी भाई मेरे पास ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ तो आ ही जाएंगे, बैंक में भर लूंगा, 30% भी दे देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुआ ये कि वो वहीं के वहीं सटपट रह गया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जिन्हें वो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकता है। लेकिन अब क्या होने वाला है, यहां से आगे क्या प्रोसेस बढ़ने वाली, तो एक चीज आप नोट कर लो, अभी के टाइम पे ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा है ये रहा और आज ही के दिन, मतलब कि मैं एक दिन बाद भी डाल रहा हूं, मतलब कल के दिन और आज भी अगर ट्रेंड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये अगर ट्रेंड कर रहा है इसका रीजन है नया अपडेट। इस समय shift.io पे बिड इवेंट चालू हो गया है। अब बिड इवेंट ऐसा नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऑडियंस को कवर अप करने वाला है। दूसरी तरफ यहां जो अपन ने लिसनिंग कराई थी उसके बाद वो बड़ा, बढ़ने के बाद घटा, तो वहां पे करेक्शन हुआ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था क्या होता है करेक्शन वगैरह, क्यों वो नहीं बढ़ पाया और क्या उसके रीजन है। मार्केट क्रैश भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अब जो है करेक्शन हो गया है, मार्केट की सिचुएशन सिर्फ वैसी है क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी थोड़े से डरे हुए हैं और बहुत सारे UPI ब्लॉक का एक रीजन है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट मतलब टैक्स पे टैक्स ठोकने में लगी है बिल्कुल 30% लगा के, तो लोग भी आने को डर रहे हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट पे 100-150 रुपए पे अगर 30 रुपए देना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा उसके लिए। इन सब चीजों के कारण नहीं हो पाया, लेकिन मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हुई है। आज वापस से मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी है और यहां पर जो है इमीडिएटली शिबा ने अपना ट्विटर पे ट्रेंड दिखा दिया है। ऑलमोस्ट 40,000-50,000 लोगों ने ट्वीट कर दिया है। दूसरी तरफ ये इवेंट ने एक छोटा सा बूस्ट देने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो वर्क नहीं करने वाला है। सीधी सी बात है, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब मार्केट स्टेबल होने के बाद क्या हो सकता है, देखिए लास्ट टाइम अगर आप बोलो शिबा स्वैप लॉन्च हुआ था तब हम लोगों ने बहुत बड़ा हाइप बनाया था कि अरे अब जाएगा, अरे भाई हो गया, एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके 1-1.5 महीने बाद हम देखते हैं कि ऐसी लाइन बनाई कि 2-0 इमीडिएट किल कर दिया और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 9 की सीरीज से वापस आया है। अभी 2 की चल रहा है और अगर वो 9-10 होता तो 1-0 किल हो जाता और 1 पैसे पे आ जाता शिबा इनू, बट वो होकर टच आया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है क्योंकि बर्निंग भी बहुत मैसिव लेवल पे हो चुकी है। यहां पर आपको अब इतना करना है, आपको होल्ड करना है, आप करेक्शन और छोटे से प्रॉफिट के पीछे मत भागो। होल्ड करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी सब तो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपको होल्ड करना है करो, नहीं करना है हम तो होल्ड करेंगे, इतना मुझे पता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ऐसी वीडियो हमें देखते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन किसी भी भूले भटके की हेल्प कर सकती है तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना क्योंकि मेरी भी हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।